कोरोना संक्रमण का असर शादियों के सीजन पर भी पड़ा है। ऐसे में या तो शादियां हो ही नहीं रही हैं, जो हो रही हैं वे भी बहुत ही सामान्य तरीके से। होशंगाबाद में भी एक ऐसी शादी हुई जहां दूल्हे के माता पिता शादी में शामिल नहीं हो पाए। धूमधाम और शोर शराबे व रिश्तेदारों से दूर एक ऐसी शादी होशंगाबाद में देखने को मिली, जिसमें दूल्हे के माता पिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरवधु को आशीर्वाद दिया। इस शादी में सभी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूल्हा दुल्हन के परिवारजनों ने शादी संपन्न करवाई। शादी 23 फरवरी को तय हुई थी, जो 20 अप्रैल को जबलपुर में होने वाली थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अब होशंगाबाद में यह शादी घर पर ही रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई गई। इस दौरान दूल्हा गज शुंभाकर लॉकडाउन के चलते होशंगाबाद में ही रुका हुआ था और दूल्हे के माता पिता जबलपुर में अपने घर पर थे। वो लेकिन इस वजह से शादी में शामिल नहीं हो पाए और उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए शादी में भाग लिया, आशीर्वाद दिया। दुल्हन निवेदिता गौर ने बताया कि इस हालात में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमने साधारण तरह से शादी की है। जी, मेरा नाम निवेदिता है। आज से 3 महीने पहले हमारी सगाई हुई थी और 20 अप्रैल 2020 को हमारी शादी तय हुई थी, बट क्योंकि देश में कोरोना वायरस चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना है, इसलिए हमने और हमारे पेरेंट्स ने ये फैसला किया कि हम सिर्फ अपने लिमिटेड फैमिली मेंबर्स के साथ, 4 से 5 लोगों के साथ हमने घर में ये शादी संपन्न की है। जी, हमारे कुछ सपने भी थे और हमारी तैयारियां भी हो चुकी थी, बुकिंग भी हो चुकी थी, बट क्योंकि अभी हम कहीं भी सोशल इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लोग ग्रुप में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, पर शादी होना तय थी इसलिए हम लोगों ने उसे घर पे ही किया। यहाँ पे हमारी शादी फिक्स हुई थी 20 तारीख की, 20 अप्रैल जो कि आज है, बट किसी जो देश की जो हालत है, जो देश में जो हमारा कोरोना वायरस फैला हुआ है, उस वजह से हमने ये शादी घर घर के लोगों में ही, मेरे माता पिता भी नहीं आ पाए हैं जिनमें, जो कि जबलपुर में है, तो उस वजह से देश की जो हालत है, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, उसलिए हमने घर घर में 5 लोगों में हमारी शादी को संपन्न किया है। मम्मी पापा ने वीडियो कॉल पे पूरी शादी देखी, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमने शादी को कंप्लीट किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।